डांस हो गए ना कल्चरल हॉल का कंटाउन बो निको खेले मेरा सुधाबंदीदा कनुमाई कमाया हमारे राज्यपाल महोदय आप हमारे मिकीवन बदल चुके हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अराका का फ्लैग होस्टिंग करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय राज्यपाल महोदय निवेदन है कि अराका फ्लैग का होस्टिंग करें। माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मंच की ओर अग्रसर होकर माननीय राज्यपाल महोदय अभी रानी मां गाजनियों के सामने पुष्पांजलि कर रहे हैं। सभी लोग राष्ट्रगान गाने तक खड़े रहेंगे। छोड़ दीजिए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री रामकेवन से निवेदन है कि आप आज के
आदरणीय मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय श्री श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम सुश्री रामेश बाबूजी पंकज सिन्हा जी पौतंजन न्यू में ताके न्यू में और हमारे विद्या भारती के अखिल भारतीय बोले दंडो का मरेद अगला परिचय आपका स्वागत करें सभी लोग तालियों का गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं मैं से निवेदन है कि आप सब बैठ करके अगर आप तस्वीर लें ताकि पीछे जो डेलीगेट्स बैठे हैं वो भी सामने दिखाई दे सोने का मकसद है धन्यवाद इसके साथ अभी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ नागालैंड त्रिपुरा एंड असम सम्माननीय अतिथि श्री दिलीप पाल एमएलए सिलचर कॉन्स्टिट्यूएंसी एवं श्री भारन भैया आईएएस डिप्टी कमिश्नर डिमासाव हाफलम माननीय
विनय चंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष विश्व हिंद परिषद मैनवर जादवराम पुनः स्वागत करता हूँ। आप सभी अपना बहुमूल्य समय देकर वो कष्ट कर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं मुख्य अतिथि का विशेष परिचय देना चाहता हूँ। सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, नागालैंड, त्रिपुरा और असम के राज्यपाल श्रीयुक्त पद्मनाभ आचार्य महादेव जी का विशेष परिचय प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। रानी माँ से आपका लगाव और श्रद्धा बहुत पहले से है। जब रानी माँ 1966 में ओवरग्राम हुए तो आप प्रथम व्यक्ति है जो कि कोहिमा जाकर रानी माँ से भेंट एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हो। इसके पश्चात भी आप कई बार रानी माँ से भेंट एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। 1977-1979 के कलकंठ में आप 3-4 बार हाफलोंग आए हैं। उसी समय अपने हेरक एसोसिएशन के लिए रानी माँ के नाम का लॉकेट बनाया एवं प्रोफेसर गंगमय के लिखे हुए रानी माँ के जीवनी मुंबई से छपकर हेरक एसोसिएशन के लिए वितरण करने के लिए देकर हम सभी को उत्साहित किए है। उसके अतिरिक्त यहाँ के सामाजिक संस्थाएं विश्व हिंद परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों के साथ आपका निकट का संबंध रहा है। आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को राज्यपाल के पद पर विराजमान देकर हम आएगा आसाम के चाहिए ना सही ने बाहर ने कमा ले हाय मना कुलूं डले जेलियंग्रों रिंकेलो रानीपुर रिंकेलो जय भारत माता। सुना मान्यवर श्री रामपुई जी को बहुत बहुत
National Committee for Birth Centenary Celebrations of Rani Gajinyo. Kachaguda, Unchu, the name, Chako. Right, then, Rayang, again, Chief Patrons Ayana Ani Roga Wong Sangala Mui Honorable Governor PV Acharya Ji to the Ani Chief Patrons on Kaida Patrons Sanga Tia Jilian Lu Kaida Acharya Ani Mata Punsu Dele Ani Hawaii National Committee for Boston Tennis Celebration Gap. I don't think Ani became sung anything to go. Uncle Tate Ramain, then Tate Ramain, then Tate Ramain. I began, I'm meeting who came again. North East Canada, the North East Canada, Nagaland, Assam, Manipur Canada, cultural troop, a bunk of some Matikarane all over India. About 60 centuries in the Ranipur messes, parking the thing that's called Patiko Emily May, the Taiwan Day Makanapa, I didn't go Tempura May. Pamanga Pakani, the Tempura Bangana, Ranipu message them all over India, my Bharat verse, Karam Sandra Banga, and the program Televusa, Nagalandu Cultural Troop, Assam Nelega, Tatalada, Tatisa, I couldn't get drink. And you want some Makana? Hold us the bear. Rani Gajindu, Janma, verse, oh, well, do ada hafrong ne main main city taxi stand na magalay ko da dare la la ko ami ta kada di ga sti sunga na ni tu receipt mo ga bamra bamang te ra bamang program na me buku sitil tele tok lu ga ma dure ma na patri program ai da di ga ai ko ani ma wong kan di ga da wong de rani pura samse ne na ami ni mo ne na ai de ina set ta tele mai ai ta param la ga good response, Naram. His visit in FISA to encourage us, to help us to promote this maintaining communal harmony. Thank you very much. साथ के हाथ में आप प्रदान करें उसके बाद अभी जेल काउंसिल और इस जिले दिमाहासो जिले के भाजपा कमेटी की ओर से आपको कुछ मेमोरेंडम अभी सम्मिलित करेंगे जेमी काउंसिल और इस जिले के भाजपा कमेटी अभी इसके बाद माननीय रामकुई होंगे जीनी के द्वारा लिखित एक रानीमा गाजीन्यू के हाँ एक मेमोरेंडम जिलंगन हरपा एसोसिएशन की ओर से आपके हाथ में भी प्रदान करेंगे माननीय रामकुई होंगे द्वारा श्री माननीय आदरणीय राज्यपाल महोदय को प्रोग्राम सेंटेनरी प्रोग्राम आई वो सुखी जाए
सिगरेट लो सा चुरा मुंदा जने हर नसीरा रानी पुजो हुंका सामने रानी पुजो हुंगली को मेरा का ऐसी से सुंदर तो लो काई स्थान से ना बंदे ला इरा करे सल है ना सुंदा मन पर विराजित मान्य और नेतागण जेलम ग्राम एसोसिएशन के नॉर्थ ईस्ट के जो प्रमुख राम कोई जी और हजारों की संख्या में आए हुए रानी माँ के भक्तगण आप सबको नमस्कार। मैं हफलांग में बहुत बार आया हूँ। सारी दुनिया में जटिंगा का नाम सुना नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। अभी तो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाते से हमारे यहाँ रहने वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले जनजाति के लोगों को अपने जीवन पद्धति सुरक्षित रखें, आगे बढ़ाएं, समर्थवान बने, इसलिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना हुआ है। हमारे डीसी श्री बोया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों, 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। भारत एक समर्थ राष्ट्र के नाते से सारे दुनिया में उभर के आ सकता है। हम लोगों को विदेशी जो दूर दूर से लोग आए, हम संबंधित नहीं थे, हम सब आपस में झगड़ते थे, इसलिए ये उनको एक ऐसे अंदर घुसने का समय मिल गया। खून आ गए, मुगल आ गए, ब्रिटिश आ गए, हम लोग को गुलाम बनाया, हमारे पर अत्याचार किया, हम लोगों का यहाँ का जो जितना सोना चांदी ये सब लूट लूट के वो लेके गए। फिर महात्मा गांधी जी ने सारे समाज को इकट्ठा करने के लिए आवाज दिया, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़े और इस स्वतंत्रता युद्ध में यज्ञ में भारत के हर स्तर से हर जगह से एक एक सेनानी खड़े हो गए और ब्रिटिशों के सामने डट के खड़े होके आज हम जिस भारत का स्वतंत्र भारत कहते हैं उसमें उन्होंने अनुदान किया है। ऐसे सेनानियों में दूर प्रदेश में आप भाग्यवान हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में बैठ के देश के लिए या स्वतंत्रता के लिए कुछ मैं करूं ये कोई विशेष बात नहीं होती है। जब हम तुलना करते हैं आपके जैसे हाफलांग में, मणिपुर के, नागालैंड में जंगलों में बैठ के, उन दिनों में कोई साधन भी नहीं था अपने समाज को हराका के नाते से समर्थवान बनाने के लिए कोशिश करने वाली और ब्रिटिश के सामने स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले पद्मश्री रानी माँ गरीबों का आज शताब्दी है, जन्म शताब्दी है, उनको शत शत प्रणाम करता हूं और आप सबको अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इतने बड़ी संख्या में यदि आज एनसी डेलियन जिन्होंने रानी माँ के काम के लिए बहुत आगे बढ़ाया, यदि रानी माँ खुद कहीं भी हो, यदि आप सबको आशीर्वाद दे रही, इतने मन में खुश होगी। इस संगठन बढ़ाने में रामकुल जैसे सेनानी और जेलिंग रंग का बहुत से लोगों ने अथक प्रयत्न किया है और ये भी कुछ कम बात नहीं है। विरोध इतना आ रहा है आपको, आज भी विरोध का सामना करके पल पल पर विरोध को मात करके आगे बढ़ने में तो जो प्रतिवृत्ति है वो बहुत सुंदर है। 1965 में मैं पहली बार नागालैंड में आ गया, उसके बहुत बड़ी कहानी है क्यों आया कैसा है वो अलग बात है।
वही मुंबई विश्वविद्यालय में एक सेनेट का मेंबर रहा हूं, फेलो हूं। चाइनीज आक्रमण के बाद पता लगा कि भी नेपा करके कुछ हिंदुस्तान का भाग है, और मुंबई में रहने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जैसे संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बहुत अच्छा कार्यकर्ता, बचपन से कार्यकर्ता, हिंदू समाज को भी मानने वाला, मैं हिंदू हूँ गर्व से कहने वाला, ऐसे एक व्यक्ति, यूनिवर्सिटी का 4 डिग्री मेरे पास है, यूनिवर्सिटी का मैं रहा हूँ, 30 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति जिसको ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पेपर सबके उपलब्ध है मुंबई शहर में, इसके बावजूद भी मुझे शर्म लगता था। मेरे जैसे व्यक्ति को भी नेपा पता नहीं था, चाइनीज स्टेज पर तक आ गए तब हमारे आंखें खुल गए, और हमने कहा ले जब ये कौन कर रहे हैं, किसका गलती है, नेहरू कर रहे, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दोस्तों, ये हमारा शिक्षण पद्धति का गलत बात है। हमारे शिक्षण में कोई कमी नहीं है ज्ञान के दृष्टि से, मेरे ज्ञान क्यों और हम कौन हैं, हमारी ताकत कितनी है। हमारे हर चीज को ब्रिटिश लोगों ने खू करके नीचे दिखाया। योगा, आयुर्वेद, वेजिटेरियनिज्म, आज सारे दुनिया में यूएनओ के अंदर 170 देशों के अंदर कहते हैं योगा इज ए प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिसिन है। आयुर्वेद तो इतना बोलना माना ही बहुत बड़ा विषय है, ज्ञानी है ऐसे सोचने लगे। दोस्तों, आप किस भाषा में बोल रहे हो उसको ज्यादा महत्व नहीं, उस भाषा से क्या बोल रहे हो उसका महत्व है। इंग्लिश इज ओनली ए व्हीकल फॉर ए थॉट, इट इज नॉट इट सेल्फ इज नॉलेज। मगर संस्कृत नॉट ओनली ए व्हीकल फॉर थॉट, उसके अंदर कितना ज्ञान का भंडार बड़ा हुआ है। और आज केंद्रीय विद्यालय में जर्मन नहीं सिखाओ मगर संस्कृत ऑप्शन रखो, हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और सेक्युलर प्यूरो सेक्युलरिस्ट ने चिल्लाने लगे कि संस्कृत क्या है, सेफनाइजिंग है, आप हिंदूकरण कर रहे हो। दोस्तों, ये शिक्षण का कहीं ना कहीं पर न्यूनता है, ये भाग दिखाता है। हमारे नेपा क्या हमको पता नहीं है, संस्कृत क्या है पता नहीं है, आयुर्वेद क्या है पता नहीं है, योगा क्या है पता नहीं है, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या पता नहीं है, रानी माँ गाजी मिल को हम पता नहीं है, पूर्वांचल क्या है वो भी पता नहीं है। तो इस तरह का शिक्षण हमें मिला हुआ है, उस शिक्षण को पाके हम यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए भिक्षा देते तो नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो करते हैं। दोस्तों, ये पूरा तरह से बदल होना चाहिए, अमूलाग्र बदल होना चाहिए। हमारे शिक्षण में बहुत अच्छे शिक्षण ज्ञान मिलता है, मरीज सेल्फ सेंटर्ड नॉलेज है। आज अमेरिका के नासा में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे तो उसमें 30% हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी से पास होके वहां पर काम कर रहे हैं। इतना विज्ञान और ज्ञान हमारे पीछे है, सारा भारत आपके पीछे है। छोटे छोटे कार्यक्रम में अपना दिल मत लगाइए। आज एक ऐसे सरकार आया हुआ है, हमारे डायनेमिक लीडर मोदी जी क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, 17-12 साल के बाद एक प्राइम मिनिस्टर नागालैंड में पहले बार आ रही है, और वो कहते हैं जब तक पूर्वांचल आगे नहीं बढ़ेगा, पूर्वांचल डेवलप नहीं होगा, तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। इफ नॉर्थ ईस्ट डेवलप ऑल इंडिया प्रोग्रेस, ये दृष्टिकोण है आज के लीडरशिप में। और लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, और जो भूगर्भ संपत्ति हमारे साथ है, हिंदुस्तान में यदि पेट्रोलियम पहला मिला होगा, मिनरल ऑयल असम, कोयला बिलियंस एंड बिलियंस एंड टू, एक मेघालय में, एक नागालैंड, इतने पहाड़ भरा हुआ, पहाड़ पहाड़ नहीं सोने का पहाड़ है, रोज 1,000 ट्रक कोयला जाता है नीचे, जलप्रपात भगवान ने आपको छप्पर फाड़ के दिया हुआ, वॉटरफॉल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कोयला चाहिए या जलप्रपात, और तीनों आपको इतना दिया हुआ है
फिर भी यहाँ बिजली का इतना संकट है, पढ़ने के लिए लाइट के लिए बिजली नहीं है, सेल्फ मेड कैलेमिटी, दारिद्र अपना दिमाग का। वो डायरी भी था, लिखा हुआ था, वहां के लोगों से मिलने का मौका नहीं। छोटा सा स्कूल था, स्कूल में एक टीचर था, केरल का एक क्रिश्चियन था, मैंने उनको सैल्यूट किया। उस समय पर केरल का भगवान यीशु से प्रेरणा लेके क्रिश्चियन आदमी मौन में जाके विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, और एक व्यक्ति मिला वो राजस्थान के थे। पूरे नागालैंड में नमक का कम था, कुछ चीजों की कम था, वो नीचे से लाके गुवाहाटी से अखानी से लाके छोटा व्यापारी करता था। सैल्यूट किया, उनके एडवेंचर स्प्रिट और उनका सेवा का स्प्रिट पूरे नागालैंड में घूमते घूमते लोगों से मिलने का क्या, प्राइमरी स्कूल देखा भी, हम भी कुछ कर सकते बैठ के और करने की शुरू किया, अलग बात है। इन बातों में मेरा थैला था, बातें करते स्कूल में मैं भूल गया, और ट्रक से बैठ के फिर दिमापुर आ गया, कहां मून कहां दिमापुर, उन दिनों में 65-66 में, तो मुझे याद आ गया, अरे मेरे डायरी थे, पैसा नहीं था उसमें, डायरी थी, तो मैंने ट्रंक कॉल किया, उस समय पर मोबाइल भी नहीं, और डीसी को ट्रंक कॉल किया, सर सर ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करें, मैं भी कोई पहचान वाला नहीं था उस समय पर, मेरा सब मैं थैला भूल गया हूं। अरे उसने कहा, अरे भैया पद्मनाभ आचार्य जी आप कोई डरिए मत, आप एक साल के बाद आएगा तो भी थैला वहीं रहेगा। अरे सब क्या मजाक कर रहे हैं आप, क्यों मजाक कर रहे हैं, मेरा बहुत अच्छी तरीके रखा है, आप तक पैसे ले लो। तो उन्होंने बोला आप देखिए ये ट्रक आ रहा है, इससे तुम्हारा आप आ जाइए। तो मैं तीसरा दिन एक ट्रक करके फिर मोन गया, वो समझ नहीं पाया कहाँ रखा है करके, देखा कि वहीं तो वो बैग पड़ा हुआ है। ये है आपके संस्कृति, आज दिमापुर में या हफलांग में मोटरसाइकिल से भी आप जाओ, आपके गले का हाथ ठोक कर खींचने वाले हैं। उस समय पर मेरा थैला रखा था मैंने मोन में, और वह थैला 3 दिन के बाद भी वहां के वहां मुझे मिला। सो आपके पास इतना इतना अच्छा सांस्कृतिक जीवन है, डांस ड्रामा इज नॉट द आइडेंटिटी ऑफ नागास और एनी पर्सन ट्राइबल पीपल, उनके जीवन का एक पहलू है। मंत्री विद्या भारती संगठन कल्याण आश्रम विश्ववा हिंदू परिषद तथा अन्य संगठन की कार्यकर्ता
आप सभी कवि मैं बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित एनसीएल ऑटोनॉमस काउंसिल के ईएम श्री देवो प्रसाद हृदय जी, श्री पौधाबेन ग्रामे जी, श्री हाईलांग कामबेन कोमे जी, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हमारा दिमा सौ की विभिन्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर वेल्स विजर सभी को भी मैं अपना एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित गेलांग हराता एसोसिएशन की सभी कार्यकर्ता, महिला संगठन की कार्यकर्ता आसाम मणिपुर नागालैंड, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित विभिन्न गांव से आए हुए भाई बहन यह संगठन की कार्यकर्ता, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर आज दोबारा हमारे साथ दिया। सर्वप्रथम इसी सेंटिनरी सेलिब्रेशन में स्पोर्ट का एक कार्यक्रम रखा था, उसी समय भी सामने आके हमारा जो स्पोर्ट्स है इनको भी इनोग्रेट किया। अपना कीमती भाषा से जो लोग स्पोर्ट में भाग ले रहे थे इनको भी अच्छा भाषण देके समझाया। इसके साथ साथ दिमासाव का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसका भी जो खर्चा हमें देना था वो भी सीएम साहब ने निभाया। और खाली इतना नहीं है, सीएम साहब ने उसका मेहनत का एक महीना का तनखा हमारा एसोसिएशन को भी दिए। मैं इसी वेलकम स्पीच के अंतर्गत यहाँ उपस्थित सभी युवक को दो एक शब्द याद दिलाना चाहूंगा। तो उसलिए जो दो एक शब्द मुझे कहना है मैं अपना सभापति से अनुमति मांगता हूँ कि दो एक शब्द जो कहना है मुझे जरी भाषा से कहने का सुविधा दे। जाय नाम
अनु सोने दून को कम दे रहे कले न माय अनु नमिले पीरे चिगुले अनु को तुम इबे अनु को हिंगे की इबे न माय पुनी तो सोला मुझे हना अनु चिपो जाएंगे जे इधे इधे तुम यहाँ में सोला साला प्रे कले सुनो नमिले पीरे चिगुले न माय पुनी दे चिले न माय अनु को पाई नहीं दे रहा पुनी हिंगे की ना अपो पाई दे को माले हकीन से करा को माले जा पुनी ने सके उसा मंदे कले सुनो न माया ने अनु सोने दो पुनी यार ना मुझे पुनों की ने मिसों का जा पुनी का का दाब डाले तो देख ना अनु पुना ना अनु तो मान नहीं हिमा तो ना अनु तो सिंह मारो ना ले इधर जा अनु को पुनी दे बिदु निपों पाई संडांग दो निपों पाई पने ही दे बे तक तो अनु सीमा से ले जाहले रोन सीमा से ले के सिंह में दो परिम बाग सोंग ना बाग को ले जा अनु ไรลองเด้อกะกะตัวซ้ําเตยได้ดาไอ้ปวนุยเหลงบังฮรากา
Ndi kata kui ane kuya kui rani kajen la panen di takai te kaju kumunda namai ase tim na te kuja namai po kumai kan ku celebration tanggana age kasi ngom lei na rong doa mi po tadin te resident na kata lei na ane du kai te ja ta lei na po ku program da namai Notice India run the Maka Kadere, India Ram, National Level Gapana, Talena, Panetting Gelja, Telewa Kamato Jagana, Amipo, Namai, Kakuji Duda, Tondilang, the Pegadle, Rapo Sanga, Aigano, Yapo, Celebration Nangana, the Long Pay Petsa, Pakatungom, Lena. Yang ni pun mereka, saya ni pun hindi, yang nak rum sahaja. Yang mana tali ni tinggal betul je kan? Aja kanggup ni tu tuan di sini. Saya aja program komiti ni, na program terlepas di belukum je. Nama aja ni bu, chief guest, ni bu. CM Pale Wangai, Datuk Uyim Ramage Wangai, program ti kuya di dojeng ni situ tua dah, Pak Penegak di situ, saya gak maka, anu ke program ga, kesam sara, kain nebau, situ aja, anu ku, executive member, and still autonomous council, anu po, jangan lang sampai na, kesam sam tibet sakai deh, berdojeng ni situ tua ni. Kita sama kerana le, kita sama kerana le.
सोम我们不行了，现在我们慢慢的进三万个。 Namaskar and a very good morning to you all. Respected Chief Guest, Guest of Honor, President Jilian Rong Haraka Association Northeast India, Office Bearers, Representatives and Dignitaries from various social organizations, Taipei, Kamodepev, from various villages, and my dear Jilian Rong brothers and sisters. 100 years ago, on this very day, that is on 26th of January 1915, a divine lady, an angel, was born to a Jilian Rong parents at Longkou village. Later in her life, she became a visionary leader, a far-sighted leader, a freedom fighter, and a great social reformer. Brothers and sisters, I am talking about
a well-known social reformer and freedom fighter, Padma Bhushan Rani Ma Gaidinliu, whose birth anniversary we are celebrating today. On this auspicious occasion, I, on behalf of Zhilianrong Hwaka Association, stand here to welcome you all. First of all, I welcome our honorable chief guest, Jagdev Ramji Ona, National President, Akhil Bharatiya Vanvasi Kalyan Ashram, Jaspur Nagar. I also welcome our guest of honor, Sushri Santa Kumari Akkaji, Pramukh Santalika Rashtriya Sevika Samiti, Nagpur. Despite their busy schedule, they have kindly consented to come over here to be with us on this special occasion. I also welcome other dignitaries and delegates representing various social organizations for coming over here. Your presence is a big honor to us, sir and ma'am. Now my honorary Zhilian Rong Mayor, Rinna Mapta, Nada Mayor, the Pinega Indian Bell, the Gideri Manga, Timani, who is Ikasan Mele, the Indian Longani Kogale. Kotevinola today, Namaika, Kapan Tilsa from there, Gideriga. Miram Bapanga, Kabang Sibam, then the Kakara Banga, Rap Unipuity Mamma, Langi Babu Pisa, Lumba Maitle. Dadiga, Anisian from Hundred and Matta, Anina from Hundred and Matta, India they gave them a Purina Matta, Anina meaning I say, ah, they gave them a lane, Hesper and Gabba, Miram Bakan Lebama, Hanga, Namai, the King and Pika from Maitle, the Indian Togale. Ekeke, ami pura sam, ami ekeke chiki me abam me. Kitsei ni lesu tu chikam ki me baam chi punsam ki me baam ni so hai me chikam le. Zai tak ki kiteng ni nai ta nai ki tu ami roga kitsei me usui tem ne ami ja ami pura sam tam kese baam ni zegi le. Ia aku berega ami pura sam bo nam tam ti rasu. Adaga ima amat situ ga. Jadi kami yang menasihkan bahasa saya, ok, kita minta makulai. Sebelum kita ini, alangkah, kami kita tahu kerana kami semua orang sahaja, kami enggak tahu orang lain berapa. Betul di dalam betul naik naik berapa. Kita ini, dalam siapa kami sudah nak misalkan dalam ini le. Right tu, bagaimana? Kami punya kami yang kita tahu ini kerja kerja saja. Kehamu saja. Anu ini ram kita kita orang kita tahu kerja saja, naik betul di kerja le. Jadi apa kerana bagaimana? Namai. Anwe hai menan saada sui sero meti na se hraka ti nan ji ka kai zele right to bga sipo meti nga anwe zian ro me na ga me za indian pyukri na mata ke dei ri ga ram lung se ab ki punirang ka ji me se ka ham na Tawaye,
address even. Me, I'm not going to